सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक मैरीटाइम पवन। आज की इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेनी ओएस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स रह जाता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी आप हमें SMS कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम GP रेटिंग करते हैं या ओपन CDC करते हैं तो एज ए फ्रेशर जब हम शिप ज्वाइन करते हैं तो अगर हम डेक डिपार्टमेंट से जा रहे हैं तो आप मैं एज ए ट्रेनी OS के रूप में जाते हैं, या अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आप एज ए ट्रेनी वाइपर ज्वाइन करते हैं। तो आज हम ट्रेनी वाइपर के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम ट्रेनी OS के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, जो भी शिप पे ट्रेनी OS होते हैं उनका मुख्य काम होता है क्लीनिंग करना, और जो भी बोसन या ये भी जो भी आपको बोलेगा वही आपका काम करना होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि इनका रूटीन क्या रहता है। तो ट्रेनी OS को 5:30 के समथिंग या 5 o'clock पे उठना रहता है मॉर्निंग में, और फ्रेश व्रेश होने के बाद में आपको 6 to 7 एक घंटे आपको क्लीनिंग करना रहता है। क्लीनिंग में आपका क्या हो सकता है, आपको मेस रूम क्लीनिंग करना पड़ सकता है, डाइनिंग हॉल क्लीनिंग करना पड़ सकता है, और आपको इंटरटेनमेंट जो रूम होता है उसको भी क्लीनिंग करना पड़ सकता है, और LE भी होता है उसको भी आपको क्लीनिंग करना पड़ सकता है। यही आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा 6 to 7, एक घंटा आपको क्लीनिंग रहेगा। और 7 o'clock के बाद में आप 7 to 8 एक घंटे आपका जो ब्रेकफास्ट रहता है वो करना होता है। 8 o'clock पे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और 8 to 10 आपको 2 घंटे काम करना होता है। जो भी आपका बोसन AB जो भी आपको काम बताएगा, चिपिंग पेंटिंग, वो आपको करना होगा। और इसके बाद में 10 o'clock पर आपका टी टाइम हो जाएगा, 10 to 10:30 आप 30 मिनट आपको टी टाइम के लिए मिलेगा। उसमें आप चाय वगैरह पी सकते हैं, बिस्किट वगैरह जो भी रहता है वो आप खाएंगे। 10:30 पे आपको अगेन वर्क स्टार्ट करना होता है, और 12 o'clock तक करना रहता है। और 12 o'clock के बाद में आपको एक घंटा आपका लंच में रहता है, 12 to 1, तो आपको एक घंटे में उसी में आपको खाना भी खा लेना है, और इसके बाद में आपको रेस्ट भी कर लेना है। और रेस्ट करने के बाद में 1 o'clock पर आपका अगेन फिर काम स्टार्ट हो जाता है, 1 to 3, यानी कि 3 बजे तक आपको फिर काम करना रहता है। और 3 बजे आपका टी टाइम हो जाएगा, तो 30 मिनट आपको टी टाइम के लिए मिलेगा, 30 मिनट में आप टी वगैरह ले लेंगे। और 3:30 पे आपका फिर काम स्टार्ट होगा, जो भी आपका काम रह जाता है वो आपको आपका जो सीनियर होगा वो आपको असिस्ट करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपको ये काम करना है या जो भी काम होता है आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद में आप 3:30 के बाद में आप वही 5 या 5:30 तक आपका काम रहेगा, 5:30 पे आपका काम एंड हो जाएगा। इसके बाद में आप जिस भी इक्विपमेंट से आप काम कर रहे हैं उस इक्विपमेंट को प्रॉपर प्लेस पे रख देना है, और जो भी सिक्योरिंग करना है तो आपको सिक्योर कर लेना है, और सब सिक्योर करके आपको सेट करके रख देना है। और इसके बाद में आपका 6 से आपका डिनर स्टार्ट हो जाएगा, 6 to 7 एक घंटे में आपका डिनर होगा। इसके बाद में आप जो भी आपका एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, जो भी है। एंड गाइज, 9 बजे के समथिंग 9 o'clock पे आपको एक पूरे डेक का एक राउंड लेना होता है। उसमें आपको कोई काम करना नहीं होता है, आपको प्रॉपर चेक करना रहता है, इधर उधर आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हैं। 9 o'clock के समथिंग आपको एक पूरी डेक का एक राउंड लेना होता है, उसमें जो भी आपका 30 मिनट्स एक घंटा लग जाता है वो पूरा आपको राउंड लेना है, पूरा आपको प्रॉपर चेक करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, तो वो आपको देखना रहता है सिर्फ। उसमें आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना होता है, वो आप 9 o'clock के समथिंग ये काम आपको करना पड़ेगा। एंड गाइज, कुछ कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है कि जब हम शिप पे एज ए ट्रेनी OS जाते हैं तो हमको शिप को चलाने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो आपको शिप हैंडलिंग नहीं मिलेगा। अगर आप शिप चलाने के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो जब आपका शाम को डिनर हो जाता है, डिनर के बाद आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर जिस भी ऑफिसर का वाच रहता है तो उससे आप सीख सकते हैं। ऐसा है कि आप उनसे पूछें कि हम इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको बताएंगे उस चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, बट आपको एज ए ट्रेनी OS पे आपको सिर्फ हैंडलिंग नहीं मिलेगी। और गाइज, एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि एज ए ट्रेनी OS हम ज्वाइन करते हैं तो शिप में हमें मास्टर का कैबिन साफ करना पड़ता है, लेटरिंग साफ करना पड़ता है, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। आप एज ए ट्रेनी OS या ट्रेनी वाइपर पर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लेटरिंग भी साफ करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता नहीं, करना पड़ेगा। ऐसा है कि आपको आपसे लोअर रैंक जो है वो कोई होता नहीं है, आप एज ए ट्रेनी OS सबसे लोअर रैंक है शिप पे, तो आपको लेटरिंग साफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस लेटरिंग में आप कर रहे हैं वो भी करना पड़ेगा, और जो ऑफिसर्स लोग जिसमें लेटरिंग करते हैं तो वो भी आपको ही क्लीन करना पड़ेगा। सो गाइज, आपको ज़्यादा डरना नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आपको काम प्रॉपर बताया जाएगा, और वही आपका क्लीनिंग, चिपिंग, पेंटिंग, या आपको टैंक लेवल चेक करना है, या जब शिप पोर्ट पे है तो आपको वॉचेस भी हो सकता है, आपका वॉच लग सकता है, कोई ऐसा ज़्यादा काम हार्ड नहीं रहता है।
लेकिन यह है कि आपको जो भी है काम बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, क्योंकि आप एज ए ट्रेनी हुए जब शिप पे जाते हैं तो आपको शिप के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता है, तो ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। सो गाइस, जब हम बात कर लेते हैं कि इनका सैलरी का क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो वो डिपेंड करता है शिप और कंपनी के ऊपर। आप किस कंपनी में गए हैं, आप RBSL में हैं, ITF में हैं। अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हैं, NCV में अगर आप सेल कर रहे हैं, तो आपका सैलरी 10 to 15 thousands रहेगा। अगर आप RBSL कंपनी FG में सेल कर रहे हैं, तो आप का वही 20,000 के समथिंग आपका सैलरी रहेगा ओएस पे, ट्रेनी ओएस पे। अगर आप ट्रेनी ओएस पे अगर आप ITF में सेल कर रहे हैं, तो आपका सैलरी 30-35,000 के समथिंग रहेगा। तो सैलरी का यही स्ट्रक्चर है ट्रेनी ओएस का। एंड गाइज, एक काम और रहता है ट्रेनी ओएस का, जब शिप पोर्ट पे लगता है, जेट्टी पे लगता है, तो हमें रोप को बोलार्ड से अटैच करके बांधना होता है। ये काम ट्रेनी ओएस का होता है। सो गाइज, यही था हमारा वीडियो ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स रह गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपका वहाँ पर प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।